पहली बार आपके बीच में आने का मौका मिला और एक नौजवान साथी ने जो बड़ी सही बात की कि बीजेपी को यहां से कुछ नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, वंशला के जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, पिछले 70 सालों से यहां कांग्रेस और एनसी की सरकार रही। आप वोट देते रहे, एनसी को भी वोट किया, कांग्रेस को भी वोट किया, दोनों पार्टियों को वोट किया, चाहे कोलिशन में किया, अलग अलग से किया, तो आज ये हालत आपकी क्यों ऐसी है? आपने एक तरफा वोट हमेशा किया इन पार्टीज को, लेकिन आज अगर आपकी यह हालत ऐसी है, इसका कारण यह है, कोई भी गांव जब एक तरफा वोट एक पार्टी को करता है तो वो पार्टी यह सोचती है कि ये मजबूर है, इन्होंने हमको वोट करना ही करना है, चाहे हम इनका काम करें नहीं करें, वोट उनको मिलता रहता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां जहां भी लोगों ने बदलाव लाया है, चेंज लाई है और दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े हैं, तो वहां कुछ न कुछ उनके कामकाज हुए हैं। वहां एक पंचायत है जहां से 2014 में हमारे साथ, जैसे आज ये नौजवान साथी जुड़े हैं, ऐसे ही 8-10 लड़के हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इलेक्शन में हमें 200 वोट वहां मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम भाइयों का करवाया। मैं जब जीता उसके बाद भी वो संपर्क में रहे और तब से लेके आज तक उन्होंने अपना, चाहे हायर सेकेंडरी बनाना था, 22 किलोमीटर की रोड वहां 3 पंचायतों में जहां का आज कैंडिडेट वहां लड़ रहा है, वो सारा उन लड़कों की वजह से हुआ, उनके कारण वहां, चाहे बिजली का था, पानी का था। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, आपको तो नजदीक जुड़ने ही नहीं देते हैं, आपको कुछ और कहानियां सुनाई जाती हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास किसका जीतना हमने? वो ऐसे लोग जो आज तक पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनका विश्वास हमने जीतना है। आज मैं इतना चल के आपके बीच में यहां पे आया हूं और इस उम्मीद से आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, शक्ति परिहार से जुड़िए, अपने कामकाज करवाने हैं, इस वंशला की डेवलपमेंट करवानी है, एक बार आप वोट देके आजमा दीजिए, उसके बाद हमारा काम होगा। ये जो भी आपके डेवलपमेंट के काम होंगे, जो भी आपके कामकाज होंगे, वो हम देखेंगे। 2014 में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेरी सरकार गरीब को, किसान को, मजदूर को समर्पित होगी। अगर मेरे भाई अभी यहां, छोटे भाई ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, क्या कोई भेदभाव बीजेपी ने किसी से किया? जो भी सरकार की तरफ से मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर राशन 8 महीने का मिला तो क्या वो हिंदू को मिला, मुस्लिम्स को नहीं मिला? अगर गैस कनेक्शन फ्री में दिए तो वो सबको दिए, पीएम किसान निधि में अगर पैसा दिया जाता है तो सबको मिलता है, जनधन योजना में पैसा मिलता है तो सबको मिलता है, अगर पेंशन मिलती है तो सबको मिलती है, पीएमएवाई के मकान अगर मिल रहे हैं, शायद ये वाला मकान भी उसे वैसे ही बन रहा है, पीएमएवाई में शायद बन रहा है, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं किया बीजेपी ने कि जब उधर से भेजा कि नहीं ये फलाने को मिलेगा, इस कम्युनिटी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ये राजनीति जात पात की राजनीति है, आप जो देख रहे हैं ये केवल और केवल 10 तारीख तक आप देखेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बड़ा खतरा आ गया, बहुत कुछ सुनाया जाता है। लेकिन 2014 में जब मैं चुनाव जीता था, डोडा में बस स्टैंड पे मैंने ये बात कही थी कि अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म है, हमारा एक ही मकसद होगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करना, डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे कि हम लोगों के काम काज करवाएं, गांवों का विकास करवाएं। अपने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन आप लोग अगर नजदीक आएंगे, जुड़ेंगे, तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हमें भी वंशला का ध्यान रहेगा कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट की है, वोट की है, इनका आना जाना, पार्टी के साथ ये जुड़े हैं, तो हमारे लायक जो भी होगा हम करने को तैयार हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 70 साल आपने कांग्रेस और एनसी को देखा, यहां कांग्रेस अलग लड़ती रही, एनसी अलग लड़ती रही, लेकिन आज एक अलायंस बना के दोनों नेता हमारे डोडा के तीनों सारे मिलके
कि शक्ति परिहार के पीछे लगा जाए, किसी तरीके इसको रोका जाए। बहुत सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार की बात की है, सही पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, श्री परिहार साहब जिंदाबाद, परिहार साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, परिहार साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, परिहार साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं।